हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में लॉस फंक्शन कैलकुलेट करना सीखा और मैंने आपको वहां पे बताया था कि उस लॉस फंक्शन का कोई क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन नहीं है। आप कोई फॉर्मूला निकाल के सॉल्यूशन नहीं बना सकते। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करके सबसे ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन निकालो। इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। हमने जो लॉस फंक्शन लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था, इस वीडियो में हम उसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे और सबसे ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको पाइथन में कोड भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर मैंने एक डेटा सेट लिया है, मतलब खुद से बनाया है मैथमेटिक्स को सिंपल करने के लिए। हमारे पास एक ऐसा डेटा सेट है जिसमें नंबर ऑफ रोज एम है और नंबर ऑफ कॉलम्स एन है। ये रहा कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम एन और आउटपुट कॉलम, ठीक है। और यू कैन सी जो पहला वैल्यू है दैट इज एक्स वन वन, पहला रो पहला कॉलम वाला वैल्यू। सेकंड इज एक्स वन टू, पहला रो सेकंड कॉलम। एक्स वन थ्री, पहला रो थर्ड कॉलम। एक्स वन एन, पहला रो nth कॉलम। सिमिलरली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड रो का सेकंड कॉलम का वैल्यू, ठीक है। सो मैंने इसको मैट्रिक्स की तरह लिख दिया है क्योंकि ये फॉर्मेट मुझे आगे हेल्प करेगा। अब हम एक काम करेंगे, हम वाई हैट निकालेंगे। हम हर रो का आउटपुट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके पहले, सिंस हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको पता होगा कि जितने भी आपके पास इनपुट कॉलम्स होते हैं उतने ही आपके पास कोफिशियंट्स होते हैं। मतलब इस प्रॉब्लम के हिसाब से आपके पास कितने कोफिशियंट्स होने चाहिए? W1, W2, W3 टिल Wn, और साथ ही साथ आपके पास एक इंटरसेप्ट टर्म होता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास n इनपुट कॉलम्स हैं तो आपके नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स होते हैं n प्लस वन, वही मेरे पास है। अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है वाई वन हैट। पहला जो रो है, फर्स्ट रो का आउटपुट प्रिडिक्ट करना है यूजिंग दीज कोफिशिएंट्स। सो आपको पता है कैसे करना होता है। आप क्या करोगे, सबसे पहले ये लिखोगे, आप W1 को मल्टीप्लाई कर दोगे X11 से, फिर W2 को मल्टीप्लाई कर दोगे X12 से, फिर W3 को मल्टीप्लाई कर दोगे X13 से, और इस तरीके से Wn को मल्टीप्लाई कर दोगे X1n से, और लास्ट में आप ऐड कर दोगे W0, राइट। यही तो हो जाएगा आपका Y1, Y1 hat। This is actually अभी नहीं हुआ। अब इस पूरी चीज को आप क्या करोगे, सिग्मोइड फंक्शन में डाल दोगे। This is your y1 hat। Going by the same logic, अगर आपको कोई बोले y2 hat calculate करने के लिए, मतलब second row का output predict करने के लिए using these coefficients, तो अब आप क्या करोगे, सब कुछ सेम रखोगे। आप इस बार लिखोगे W1 मल्टीप्लाइड बाय X21। इस बार आप ये वाला रो पकड़ोगे, ये वाला रो पकड़ोगे, राइट। सो यहां पे आ जाएगा W2 मल्टीप्लाइड बाय X22 प्लस W3 X23 प्लस Wn X2n प्लस फिर से W0। और आप इस पूरी चीज का अगर सिग्मोइड निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा y2 hat। सो गाइज, मैंने क्या किया है, अब मैंने टाइम बचाने के लिए वीडियो पॉज करके एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाया, और इस मैट्रिक्स का नाम है y hat, और ये कैपिटल में लिखा हुआ है y hat, ठीक है। y hat इज अ मैट्रिक्स जहां पे इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रिडिक्टेड वैल्यूज ऑफ ऑल द रोज। So, ये बना हुआ है किस चीज से? y1 hat से, y2 hat से, ym hat से। So, basically आपने हर रो को पकड़ा और उसका प्रिडिक्शन कैलकुलेट किया, ठीक है, और मैंने उसको यहाँ पे लिख रखा है। सो दिस इज द मैट्रिक्स। फॉर द फर्स्ट रो प्रिडिक्शन इज सिग्मोइड ऑफ दिस टर्म, फॉर द सेकेंड रो द प्रिडिक्शन इज सिग्मोइड ऑफ दिस टर्म, और फॉर द लास्ट रो सिग्मोइड ऑफ दिस टर्म विल गिव मी दिस मैट्रिक्स, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सिंस ये सिग्मोइड ऑपरेशन पूरे के पूरे मैट्रिक्स पे कॉमन था, मैंने उसको बाहर निकाल लिया,
मैंने सिग्मोइड को बाहर निकाल लिया और अंदर सिर्फ ये मेट्रिक्स बच गया, W नॉट प्लस W वन एक्स वन, ये पूरा मेट्रिक्स बच गया, ठीक है। और मैंने अब वो किया जिसके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा था, मैंने इस पूरे मेट्रिक्स को दो मेट्रिसेस के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। यू कैन सी, ये देखो। सो मैंने क्या किया, इस पूरी चीज को अगर आप देखो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। सो यू कैन इजिली डीकम्पोज दिस मेट्रिक्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मेट्रिक्स। सोच के देखो, दिस इज, आपको एक बार वीडियो पॉज करना पड़ेगा, प्रोबेबली एक कॉपी पेन उठाना पड़ेगा, बट अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप इस मेट्रिक्स को ए बोलो और इसको बी बोलो और इन दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा, अगर मैं इसको सी बोलूं तो, ठीक है। सो नाउ वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू सिग्मोइड ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी, एंड गेस व्हाट, ये बी मैट्रिक्स क्या है, ये आपके कोफिशियंट्स वाला मैट्रिक्स है, इसको आप डब्ल्यू बोल सकते हो, और ये जो मैट्रिक्स है ये एक्चुअली आपका एक्स है, एज इन आपका इनपुट डेटा, बस यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम लगा रखा है सारे वंस के, ये W नॉट के लिए कॉलम लगाना पड़ा, बट या दिस इज योर X मैट्रिक्स। इसका मतलब मैं इस पूरी चीज को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं कि प्रिडिक्शन इज इक्वल टू Y हैट इज इक्वल टू सिग्मा X मल्टीप्लाइड बाय W, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ रही है। अब गाइज हम वो करेंगे जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की। मैं क्या करने वाला हूँ, हमारा जो लॉस फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। लेट मी शो यू वो काम हम कैसे करेंगे। सो इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट वीडियो में लॉस फंक्शन निकाला था एंड इट वॉज 1 - 1/m सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 से m, जहां पे m बता रहा है नंबर ऑफ रोज, वाई आई लॉग yi hat plus 1 - yi log 1 - yi hat, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। बाय द वे आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज -1/m सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 से m yi log yi hat plus sigma I is equal to 1 से m 1 - yi log 1 - yi hat, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल है। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए इस टर्म को बाहर निकाल रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं, i इज इक्वल टू 1 से m वाई आई लॉग वाई आई हैट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे। इसको एक्सपैंड करने से क्या आएगा, वाई वन लॉग वाई वन हैट प्लस वाई टू लॉग y2 hat plus y3 log y3 hat plus dot 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 ym, last वाला item m होगा, log ym this, ठीक है। अब सोच के देखो y1 क्या है, y1 है आपके पहले रो का आउटपुट कॉलम का वैल्यू। सिमिलरली y2 क्या है, आपके दूसरे रो का आउटपुट कॉलम का वैल्यू। सिमिलरली y1 hat क्या है, y1 hat बता रहा है कि आपके मॉडल ने आपके फर्स्ट रो के लिए प्रिडिक्शन कितना किया। y2 hat क्या बता रहा है कि आपके मॉडल ने आपके सेकेंड रो के लिए प्रिडिक्शन क्या किया। और सिमिलरली ym hat बता रहा है कि आपके मॉडल ने आपके लास्ट रो के लिए प्रिडिक्शन क्या किया। सो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी चीज को इस तरीके से लिखता हूं, y1 y2 y3 ym, और इसको मैं लिखता हूं as log of y1 hat log of y2 hat dot 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 log of y1 hat,
डॉट प्रोडक्ट बना दिया मैंने, और व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रीराइट इट एज y1, y2, y3, ym, log, सिंस मुझे सभी के ऊपर परफॉर्म करना है, log को मैं बाहर ले ले रहा हूं, ये बन जाएगा y1 hat, y2 hat, dot dot dot, y1, ym hat, right? मुझे इसका log करना है. अब ये जो है, ये है आपका y मैट्रिक्स, एक्चुअल डेटा में जो टारगेट कॉलम है. और ये सोच के देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स जिसमें आपने हर रो का प्रेडिक्शन वैल्यू स्टोर कर रखा है, ये एक्चुअली आपका y हैट मैट्रिक्स है. दिस इज योर y हैट मैट्रिक्स. सो आप क्या करोगे, इसको आप लिख सकते हो y मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ y हैट मैट्रिक्स. और y हैट का वैल्यू क्या निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, हमने ये निकाला था, y हैट था सिग्मोइड ऑफ x मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट w मैट्रिक्स. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको रीराइट करके ऐसे लिख रहा हूं, y log सिग्मोइड ऑफ x w मैट्रिक्स. सो ये हो गया गाइज हमारा सिंप्लीफिकेशन मैट्रिक्स फॉर्म में. और अगर आप सोच के देखो, ये जो सेकेंड वाला टर्म है उसमें क्या चेंजेस होंगे, वो सिंपली ये टर्म बन जाएगा 1 माइनस y मैट्रिक्स, और ये सेकेंड वाला टर्म बन जाएगा log ऑफ सिग्मोइड ऑफ 1 माइनस x w. सो अगर मैं इस पूरे लॉस फंक्शन को फिर से लिखना चाहूं, तो मेरा लॉस फंक्शन अब बन चुका है माइनस 1 बाय m टाइम्स समेशन को हमने एलिमिनेट कर दिया, यहां पे आएगा y log y हैट मैट्रिक्स प्लस 1 माइनस y मैट्रिक्स log 1 माइनस y हैट मैट्रिक्स, जहां पर मैं यहां पे लिख देता हूं वेयर y हैट इज इक्वल टू सिग्मोइड ऑफ x मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट w मैट्रिक्स. जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हम इस वाले रिलेशनशिप को यूज करेंगे. ठीक है, अब गाइज हमारे पास हमारा डेटा है, हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में हमारा लॉस फंक्शन है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सॉल्वेबल नहीं है, मतलब इसका कोई क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. सो आपको क्या करना है, आपको ग्रेडियंट डिसेंट लगाना है, ग्रेडियंट डिसेंट लगाना है, और ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करके आपको अपना W मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये जो लॉस फंक्शन है इसका वैल्यू मिनिमम हो. दिस इज व्हाट वी विल डू नेक्स्ट. सो गाइज एक बार रीआइटरेट करते हैं हमें क्या करना है. ये रहा हमारा लॉस फंक्शन इन मैट्रिक्स फॉर्म. हमें क्या करना है, हमें W मैट्रिक्स का एज इन हमारे सारे कोफिशिएंट्स का एक ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये जो पूरा इक्वेशन है इसका वैल्यू मिनिमम हो. ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे. ग्रेडियंट डिसेंट में आप क्या करोगे, आप जो आपका W मैट्रिक्स है उसको कुछ भी वैल्यूज से इनिशियलाइज कर लोगे, कुछ भी रैंडम वैल्यूज या फिर 1 या 0 से आप इनिशियलाइज कर लोगे. फिर आप लूप चलाओगे फॉर आई इन जितने भी आप epochs डिसाइड करते हो, 10, 100 या 1000, उतनी बार आप लूप के अंदर क्या करोगे, अपने W मैट्रिक्स को अपडेट करोगे यूजिंग दिस रिलेशनशिप. ठीक है, दिस इज ग्रेडियंट डिसेंट. आपका जो नया वैल्यूज होंगे आपके W मैट्रिक्स में, वो पुराने वैल्यूज में सब्ट्रैक्ट करोगे आप लर्निंग रेट टाइम्स. ये क्या है, दिस इज द ग्रेडियंट, दिस इज द ग्रेडियंट. मतलब सिंस आपके पास W में W नॉट से लेकर के W n तक टर्म्स हैं, आपको अपने लॉस फंक्शन को इन सभी के रिस्पेक्ट में डिराइव करना है, एज इन डेरिवेशन निकालना है, स्लोप निकालना है, और उससे जो मैट्रिक्स बनेगा, सोच के देखो, अगर आप डेल एल बाय डेल डब्लू नॉट निकालो, फिर डेल एल बाय डेल डब्लू वन निकालो, फिर डेल एल बाय डेल डब्लू टू निकालो, और लास्ट में ऐसे ही करते करते डेल एल बाय डेल डब्लू एन निकालो, तो आपके पास टोटल मिला के
एन प्लस वन नंबर्स का एक और मैट्रिक्स होगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये सारे मैट्रिसेस कैलकुलेट करने हैं, और इसी को हम कलेक्टिवली बोल रहे हैं डेल्टा एल बाय डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है? सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट डब्ल्यू यूजिंग दिस फॉर्मूला. हम लोग पुराना डब्ल्यू लेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे लर्निंग रेट टाइम्स दिस मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द कोफिशिएंट्स, ठीक है? तो यही हमें करना है. अब सबसे बड़ा सवाल ये कि हमें ये कैसे मिलेगा, ये जो मैट्रिक्स है जहां पे आप सारे डेरिवेटिव्स को स्टोर कर रहे हो, ये कैसे मिलेगा? सो हमें ये निकालना है, और यही हमारा नेक्स्ट फोकस होगा, इसको निकालना. सो चलो गाइज, अब हम लोग क्या करेंगे, हम इस लॉस फंक्शन का डेरिवेशन निकालेंगे या डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू मैट्रिक्स, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार लॉस फंक्शन फिर से लिख रहा हूँ, और इस बार मैं लॉस फंक्शन को वाई हैट के टर्म्स में लिखूंगा, मतलब लाइक दिस, वाई लॉग वाई हैट, दिस इज द वाई हैट मैट्रिक्स प्लस वन माइनस वाई लॉग वन माइनस वाई हैट मैट्रिक्स. अब मुझे क्या करना है, मुझे डी एल बाय डी डब्ल्यू कैलकुलेट करना है. सिंस हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बट ये ज्यादा फेमिलियर टर्म है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं. सो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग, पहले हम लोग इस वाले टर्म का मैट्रिक्स डेरिवेशन निकालेंगे, और फिर हम इस वाले का निकालेंगे, ठीक है? तो पहले मैं आपको फर्स्ट वाले का निकाल के दिखाता हूँ, इस वाले का. सो व्हाट वी विल डू इज विल फाइंड आउट डी बाय डी डब्ल्यू ऑफ y log y hat, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है? तो y कांस्टेंट है, y बाहर आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा d by d w of log y hat matrix, ठीक है? y hat में w आता है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें log का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय वाई हैट, वन बाय वाई होता है डेरिवेटिव, और फिर आपको डी बाय डी एल कैलकुलेट करना है वाई हैट का. और वाई हैट क्या है, सिग्मोइड ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू. सो मैं लिखूंगा, इसको हम लिख सकते हैं वाई बाय वाई हैट, और डी बाय डी एल जब आप निकालोगे, अब आप एक्चुअली डी बाय डी एल निकाल रहे हो सिग्मोइड ऑफ डब्ल्यू एक्स का, ठीक है? अब आपको पता है सिग्मोइड का डिफरेंसिएशन जो होता है वो होता है सिग्मोइड मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस सिग्मोइड. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट इट लाइक वाई डिवाइडेड बाय वाई हैट, डिफरेंशिएट किया तो यहां पे आया दिस मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस दिस, और फिर मुझे चेन रूल के हिसाब से अब डिफरेंशिएट करना है. अब हमें डिफरेंशिएट करना है डब्ल्यू एक्स को, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या होगा, बाय द वे ये क्या है, दिस इज नथिंग बट वाई हैट मैट्रिक्स. तो आई विल जस्ट रीराइट दिस, आई विल रीराइट दिस एज वाई डिवाइडेड बाय वाई हैट, और यहां पे आ जाएगा वाई हैट मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस वाई हैट, और यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको सिर्फ एक्स मिलेगा, क्योंकि डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो यू विल गेट एक्स. नाउ ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, और आपको जो आंसर मिलेगा वो है वाई मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस वाई हैट टाइम्स एक्स मेट्रिक्स. ये है डिफरेंशिएशन आपका फर्स्ट टर्म का, ये आपके फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन है. एक बार मैं इसको थोड़ा आउटलाइन कर देता हूँ, सो दैट आगे हमें रेफर करने में आसानी हो जाए. ये वाले टर्म का हमने डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लिया. अब हम लोग इस टर्म के पीछे जाएंगे, ठीक है? इस टर्म को फिर हम नीचे लिखते हैं, इस टर्म को नीचे लिखते हैं. दिस टर्म इज वन माइनस वाई लॉग वन माइनस वाई, हमें डी बाय डी डब्ल्यू करना है इसका. फिर से वन माइनस वाई कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा वन माइनस वाई मेट्रिक्स डी बाय डी डब्ल्यू ऑफ
log 1 minus y. अब ये हो जाएगा 1 minus y, log है, और by the way यहाँ पे y hat होगा, I'm sorry, 1 minus y hat d by dw of, और अब आप क्या करोगे, इस पूरी चीज को लिख दोगे as 1 minus y hat, chain rule apply हो रहा है, ठीक है. अब जब आप 1 का differentiation करोगे तो 0 आ जाएगा, और फिर y hat का differentiation करोगे तो y hat क्या है, y hat is sigmoid of wx, तो मैं rewrite कर रहा हूँ, by the way ये minus term बाहर आ जाएगा, so ये हो जाएगा minus 1 minus y matrix, 1 minus y hat matrix, d by dw of sigmoid of wx, और फिर आप इसको लिखोगे 1 minus y, 1 minus y hat, और differentiate करने से आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे आएगा wx 1 minus sigmoid of wx, और फिर आपको लास्ट में d by dl करना पड़ेगा wx का by chain rule, ठीक है. फिर से नीचे जाते हैं और इसको rewrite करते हैं, minus 1 minus y, 1 minus y, और ये actually क्या है, y hat 1 minus, ये भी y hat, और इसका differentiation करने से आपको मिलेगा x, और इस बार क्या होगा, अच्छा by the way एक चीज और, ये y hat है तो यहाँ भी y hat आएगा, और आप इसको और इसको आप cancel out कर दोगे, और आपको जो मिलेगा वो ये है, आपको मिलेगा minus y hat 1 minus y multiplied by x, ठीक है, और this is the derivative of the second term, ये second term का derivative है, ठीक है. अब दोनों को अगर हम साथ में लिखें, दोनों को अगर हम साथ में लिखें तो हमारा जो differentiation है, overall differentiation, वो हो जाएगा dl by dw is equal to minus 1 by m times, पहले ऊपर वाला लिखते हैं, ये है y multiplied by 1 minus y, y multiplied by 1 minus y hat times x matrix, और plus था तो ये minus हो जाएगा because of the second term, और यहाँ पे आएगा y hat 1 minus y x matrix, ठीक है, x matrix common है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, so minus 1 by m y 1 minus y hat minus y hat 1 minus y times x. अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, सो माइनस 1 by m y multiplied by y y hat minus y hat plus y y hat, और x से मल्टीप्लाई हुआ, यू कैन सी ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको यहां पे मिलेगा माइनस 1 by m टाइम्स y minus y hat matrix multiplied by x matrix. So this is your dl by dl लिखो इसको, या फिर आप सही फॉर्म में लिख लेते हैं, this is it, ठीक है, this is it. So एक बार इसको भी हम लोग outline कर लेते हैं, so that हमें याद रहे, and that's it guys. अब आपको अगर आपको याद होगा, हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट था उसका ये फॉर्मूला था, दिस वॉज द फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूला को नीचे ले जाते लिखते हैं हम लोग, तो अब अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट डिसेंट हमारा जो अपडेट होगा वो इस तरीके से होगा, W मैट्रिक्स इज इक्वल टू W मैट्रिक्स का पुराना वैल्यूज माइनस, सिंस ये माइनस और यहां भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, लर्निंग रेट टाइम्स 1 बाय एम y minus y hat multiplied by x. This is the gradient descent update. यहाँ पे अब सब कुछ matrix form में है. W is a matrix which is W naught, W1, dot dot dot, Wn.
ठीक है, एक्स इज अ मैट्रिक्स जो वन से स्टार्ट होके एक्स वन वन एक्स वन टू डॉट 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 एक्स वन एन तक जाएगा, वन एक्स टू वन एक्स टू टू एक्स टू एन तक जाएगा, डॉट 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 वन एक्स एम वन एक्स एम टू डॉट 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 एक्स एम एन तक जाएगा, और आपका जो वाई जो मैट्रिक्स है दैट इज नथिंग बट वाई वन वाई टू डॉट 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 वाई एम तक जाएगा, और जो आपका वाई हैट मैट्रिक्स है दैट इज वाई वन हैट वाई टू हैट डॉट 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 वाई एम हैट, ठीक है। सबका शेप आपको याद रखना है, इसका शेप है एन प्लस वन कॉमा वन, इसका शेप है एम क्रॉस एन प्लस वन, इसका शेप है एम क्रॉस वन, इसका शेप है एम क्रॉस वन, ठीक है। सो यू कैन सी, अगर आप यहां पर भी देखना चाहो तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करके दिखाता हूँ, इस रूल को मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ, W इज इक्वल टू W प्लस लर्निंग रेट टाइम्स M Y माइनस Y हैट X, ठीक है। एक बार देखते हैं इसका शेप कितना है, इसका शेप है M कॉमा वन, हमें इतना मिलना चाहिए, ठीक है। इस W का शेप कितना है, M कॉमा वन, ये जो पूरी चीज है ये एक स्केलर है, इसको आप इग्नोर मार सकते हो। इसका जो शेप होगा, इसका शेप होगा m कॉमा वन, क्योंकि y, अच्छा एक गलती की मैंने, वो गलती ये है कि आपके w का शेप m कॉमा वन नहीं है, आपके w का शेप इज n प्लस वन कॉमा वन, n प्लस वन कॉमा वन। सिमिलरली आपका यहां वाला भी जो w है उसका भी शेप होगा n प्लस वन कॉमा वन, और ये जो सब्ट्रैक्शन होगा इन दोनों मैट्रिक्स का, दोनों का शेप सेम है तो दिस विल बी द आउटपुट, और आपका जो x है उसका शेप है m क्रॉस n प्लस वन। इन दोनों के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन से ऑटोमेटिकली ये ट्रांसपोज हो जाएगा, ये वाली चीज ट्रांसपोज हो जाएगी, और इसको आप लिख सकते हो एज 1 कॉमा एम, सिंस ये दोनों सेम है आपको मिलेगा 1 कॉमा एन प्लस वन, और ये अगेन ट्रांसपोज हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, और फिर जो रिजल्टेंट सम होगा वो यही होगा एन प्लस वन कॉमा वन। सो या गाइज, अब बस हमें क्या करना है, हमें ये कोड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। सो आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स था, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप करो और मैट्रिक्स फॉर्म में सब कुछ को ले आओ, उसके बाद ये बहुत इजी मैथ्स हो जाता है। मतलब एक बार अगर आप खुद से कॉपी पेन यूज करके लिख लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू पाइथन एंड वी आर गोइंग टू कोड दिस इन पाइथन, ठीक है। सो गाइस, कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मैं आपको एक वॉक थ्रू देता हूँ। ये एग्जैक्टली वही डेटा सेट है जो मैंने आपको अभी तक लॉजिस्टिक रिग्रेशन में दिखाया है यूजिंग मेक क्लासिफिकेशन। सो दिस इज द डेटा सेट, और इसको प्लॉट करने पे यू कैन सी ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। So, मैंने अप्रोच क्या लिया है कि मैंने पहले scikit-learn का लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया है और फिर मैंने खुद की क्लास बनाई है, क्लास नहीं बनाया मैंने, फंक्शन बनाया, और फिर मैंने दोनों का कंपेरिजन आपको दिखाना है, ओके। सो यू कैन सी, सबसे पहले मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल किया और यहाँ पे मैंने कुछ हाइपर पैरामीटर वैल्यूज दिए हैं, जैसे कि पेनल्टी का वैल्यू नन है, मतलब मैं कोई रेगुलराइजेशन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक पेनल्टी अप्लाई करता है, रेगुलराइजेशन अप्लाई करता है, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो कोड लिखूंगा उसमें भी रेगुलराइजेशन नहीं होगा, इसलिए मैंने हटा दिया। और सॉल्वर इज इक्वल टू SAG, तो देर आर डिफरेंट सॉल्वर्स, जैसे हमने जो अभी एक फॉर्मुलेशन बनाया दैट वॉज वन ऑफ द सॉल्वर्स, ऐसे और अलग अलग सॉल्वर्स होते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मैंने सबसे सिंपल वाला ले लिया SAG बोल के, ठीक है। और मैंने अपने डेटा को फिट कराया एक्स और वाई को, और ये रहे मेरे कोफिशियंट्स और इंटरसेप्ट, दीज आर द वैल्यूज। उससे मैंने स्लोप और इंटरसेप्ट वैल्यू कैलकुलेट की, और ये एक्स और वाई प्लॉट किया जिसको यूज करके मैं लाइन सेगमेंट को प्लॉट करूंगा। यहाँ पे मेन कोड है गाइस, ये रहा एक फंक्शन GD नाम से, ग्रेडियंट डिसेंट, इसको बस एक्स और वाई चाहिए,
और यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने एक्स में जो मेरा एक्स मैट्रिक्स था, बाय द वे मेरा एक्स ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्स, दो कॉलम्स है, दो इनपुट कॉलम्स है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे जो एक्स मैट्रिक्स चाहिए उसमें पहला कॉलम सारा वन होना चाहिए, तो इसको मैंने दो के बदले तीन कॉलम का बना दिया बाय राइटिंग दिस कोड, एनपी डॉट इंसर्ट एक्स में जीरोथ में वन एक्सिस इक्वल्स वन, ये कोड लिख करके मैंने शुरू में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया इंटरसेप्ट के लिए, और ये बन गया एक्स। फिर मैंने एक वेट्स बोल करके मैट्रिक्स बनाया जिसकी सारी वैल्यूज वन है, और उसका शेप कितना है, एक्स डॉट शेप का वन, मतलब एक्स वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं, अब बाय द वे एक्स वाले मैट्रिक्स में एक कॉलम बढ़ जाएगा वन वाला कॉलम ऐड करने के बाद, तो एक्स डॉट शेप के बराबर मैंने इनिशियलाइज कर दिया। सो अगर मैं ये दोनों कोड्स यहाँ पे जाके लिखूं, यहाँ पे जाके अगर मैं ये दोनों कोड्स लिखूं, यहाँ पे मैं बाय द वे एक्स के बदले एक्स वन कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक्स वन कर दे रहा हूँ, अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो यू कैन सी तीन वैल्यूज से इनिशियलाइज हो रहा है ये, ठीक है, क्योंकि मेरे एक्स में अब तीन कॉलम्स है, ठीक है। सो पहला डब्ल्यू नॉट है, दूसरा डब्ल्यू वन है, तीसरा डब्ल्यू टू है। अब नेक्स्ट काम हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लर्निंग रेट लिया 0.5, ये मैं अलग अलग वैल्यूज चेक कर रहा था, आप इसको किसी भी चीज से स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप ट्राई कर सकते हो। फिर मैंने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज ऑफ 2500, तो यहाँ पे मेरा ईपॉक का वैल्यू 2500 है, अगेन मैं टेस्ट कर रहा था। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये है मेरा वेट का अपडेट रूल, सी दिस इज द वेट का अपडेट रूल, दिस इज द एग्जैक्ट अपडेट रूल जो हमने यहाँ पे देखा, डब्ल्यू मेट्रिक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू मेट्रिक्स प्लस, यहाँ पर देखो डब्ल्यू मेट्रिक्स एज इन वेट्स मेट्रिक्स इज इक्वल टू वेट्स मेट्रिक्स प्लस लर्निंग रेट टाइम्स, लर्निंग रेट टाइम्स दिस डॉट प्रोडक्ट। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये डॉट प्रोडक्ट निकाला, ये डॉट प्रोडक्ट निकाला, डॉट प्रोडक्ट किस चीज का, वाई मेट्रिक्स का और वाई हैट मेट्रिक्स का, एक्चुअल वाई का, प्रिडिक्टेड वाई का, और एक्स क्या है मेरा इनपुट, और फिर मैंने क्या किया उसको एम से डिवाइड कर दिया, और एम क्या है नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज कैसे मिलेंगे, एक्स डॉट शेप का जीरो, ठीक है। तो ये रहा मेरा सब कुछ जो मेरा अपडेट रूल है, और अब बस इसमें एक चीज हमें निकालनी है, दैट इज वाई हैट, मेरे जितने भी कॉलम्स जितने भी रोज है मेरे डेटा में उन सब के लिए प्रिडिक्शन करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली एनपी डॉट प्रोडक्ट किया एक्स और वेट्स का, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ, आपको पता है ना यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको कि वाई कैलकुलेट कैसे करोगे आप, वाई हैट मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे कहीं पे लिखा था मैंने, लेट मी शो यू, या ये देखो वाई हैट मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आप इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट करो और फिर पूरे मैट्रिक्स का सिग्मोइड निकालो। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, फिर मैंने एक फंक्शन बना लिया सिग्मोइड बोल के, जो कि अगर आप उसको एक मैट्रिक्स दो तो वो पलट के रिटर्न करता है ये चीज, ठीक है, सिग्मोइड का फॉर्मूला, और ये जो रिटर्न आया उसको मैंने वाई हैट के अंदर डाल दिया, तो ये भी एक मैट्रिक्स है, वाई भी एक मैट्रिक्स है, वाई हैट एक मैट्रिक्स है, एक्स भी एक मैट्रिक्स है, वेट्स भी एक मैट्रिक्स है, जो भी हमने डिसाइड किया था सब कुछ एज इट इज कर दिया, और जब ये काम कर लेगा तो मैंने सबसे पहले रिटर्न किया सारे कोफिशियंट्स को, और फिर मैंने रिटर्न किया इंटरसेप्ट को, फर्स्ट टर्म इंटरसेप्ट है, बाकी के सारे टर्म्स कोफिशियंट्स है, इसको मैंने रन किया, सिग्मॉइड को रन किया, कोफिशियंट्स और इंटरसेप्ट को निकाला, एम और बी कैलकुलेट किया, एक्स और वाई निकाला, और जब मैंने इसको रन किया, ये देखो गाइस यहाँ पे जो रेड वाली लाइन है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की है, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये हमारी खुद का ग्रेडियंट डिसेंट हमने जब अप्लाई किया उसका रिजल्ट है। सो यू कैन सी बोथ आर वेरी क्लोज, थोड़ा सा डिफरेंस अभी भी है, अब मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया कि एग्जैक्ट क्या रीजन है ये डिफरेंस आने का, बट अगर आप यहाँ पे मान लो ईपॉक्स बढ़ाओ, अगर आप ईपॉक्स बढ़ाओ, लेट्स से आपने 3000 कर दिया, तो ये क्लोज जा रहा है और क्लोज जा रहा है, अगर मैं इसको 5000 कर दूं तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो आई गेस ईपॉक्स का चक्कर है, या फिर हो सकता है इंटरनली उनका जो सॉल्वर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड हो, हमारा ऑप्टिमाइज नहीं है, बट या दैट इज द कोड, दिस इज द कोड। अब यहां पर हमने जो अप्लाई किया है दिस इज बैच ग्रेडियंट डिसेंट,
एक बार सारे रोज के ऊपर घूम के एक बार अपडेट कर रहे हैं, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट भी यूज कर सकते हो, या फिर आप स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट भी यूज कर सकते हो। वो दोनों चीजें हमने पढ़ रखी है, ठीक है? आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कौन सी चीज आपको बेटर रिजल्ट दे रही है, बट या दैट्स इट। पिछले 5 वीडियो से जो हम एकदम खोज में निकले हुए हैं कि कैसे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को स्क्रैच से बना सकते हैं, हमारा वो क्वेस्ट आज खत्म हुआ। हम लोग स्क्रैच से हमने पढ़ाई की लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, और अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन बिल्कुल वैसा हमारा काम कर रहा है जैसा साइकिट-लर्न में काम कर रहा है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्लासिफिकेशन मेट्रिक्स, ठीक है? एक्यूरेसी स्कोर, आपका F1 स्कोर, प्रिसीजन रिकॉल, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक दो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको हाइपर पैरामीटर्स दिखाऊंगा। अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन के इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स है, ये हाइपर पैरामीटर्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन, मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब आपके पास 2 से ज्यादा क्लासेस हो, ठीक है? उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप पॉलीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे कर सकते हो, और लास्टली मैं आपको थोड़ा रेगुलराइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो अभी भी कुछ 4-5 वीडियोस बाकी हैं, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि आप एंड टू एंड ये पूरी चीज करो तो आपको अच्छे से समझ में आए, बिकॉज दीज आर लाइक रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये चीज आपको डीप लर्निंग में भी पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तो डीप लर्निंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।